जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने सुनाया है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की एक भाभी थी, दूर का संबंध था, फिर भी भाभी तो भाभी ही ठहरी। आप एक दिन उसके घर में सीधे चले गए। वह श्रृंगार घर में श्रृंगार कर रही थी। सहसा एक पुरुष को अपने एकांत घर में देखकर सहम गई। उसने शीघ्रता के साथ हड़बड़ी में अंचल से माथे को ढका, अस्त व्यस्त बालों को इधर उधर किया और अत्यंत ही प्रेम के कोप में श्याम सुंदर को डांटते हुए कहा, तुम बड़े वैसे हो जी, तुम्हें लाज भी नहीं आती। भला औरतों के एकांत घर में ऐसे बिना कहे बिना खांसे मठारे चुपचाप आना चाहिए क्या? श्याम सुंदर ने कहा, भाभी लाज दुराव तो दूसरों से होता है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। दूसरों के घर में संकोच से जाना चाहिए, ये तो मेरा ही घर है। और कोप भी दिखाते हुए सखी बोली, बड़े आए घर वाले, तुम्हारा ही घर सही तो कहीं ऐसे निर्लज्ज की भांति धड़ाधड़ घुस आते हैं? लोग होकर लुगाइयों के यहाँ आना, छी। श्याम सुंदर हंस पड़े और बोले, कौन लोग कौन लुगाई, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, बाल गोपाल मुनमुन्ना सा लल्ला हूँ। सखी हंस पड़ी, कोप कपूर की भांति उड़ गया। बात को टालने के लिए बोली, रहने भी दो, तुम तो बड़े लंगर हो। बात का प्रवाह बदलने के लिए श्याम सुंदर बोले, भाभी आज तो बड़ा साज श्रृंगार हो रहा है, कहाँ की तैयारी है? कहीं न्योते में जाना है क्या? सखी बोली, कहीं जाना हो तुम्हें मतलब? श्याम सुंदर फिर बोले, न सही मतलब तो भी पूछ ही लेते हैं, यह पचरंगी साड़ी और यह गोटादार चमकता लहंगा ही बता रहा है कि कहीं अन्योर में जाना है। सखी बोली, अजी लाला जी अन्योर कहाँ, तनिक बरसाने तक जाना है। वृषभानु जी की जो वह लाली है उसकी वर्षगांठ है, वहाँ जाना ही पड़ता है। श्याम सुंदर बोले, तो भाभी वहाँ तो मुझे भी ले चल। सखी ने तुनक कर कहा, तुम श्याम सुंदर इतने बड़े हो गए किंतु रहे धोंदा बसंत ही, भला वहाँ जनाने महल में मर्दों का क्या काम, वहाँ तुम्हें जाने भी कौन देगा? यह ठीक भी नहीं, बरसाने का नाम सुनते ही तुम्हारी तो लार गिर पड़ती है, भाग जाओ, ऐसी बात फिर मत कहना। श्याम सुंदर बोले, भाभी तेरे हाथ जोड़ पैया करूं, ठोड़ी में हाथ दूं, तेरी बलैया लूं, मुझे संग ले चल भाभी। भाभी ने डांट कर कहा, फिर वही लड़कपन, हाथ पैर जोड़ने से क्या होता है, तुम चाहे हाथ जोड़ो चाहे नाक रगड़ो, मैं नहीं ले चलूंगी, नहीं ले चलूंगी, नहीं ले चलूंगी। अपनी मेरी दोनों की बदनामी कराना चाहते हो क्या? भाग जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है, बहली बाहर खड़ी है, वे बिगड़ेंगे, इतनी देर कर दी। डांट सुनकर श्याम सुंदर की सिट्ठी गुम हो गई, फिर भी भाभी ही ठहरी। रोते हुए बोले, भाभी कैसे भी साथ ले चल, यदि मेरा पुरुषपन ही जाने में बाधक है तो मैं स्त्री बनकर ही चल पड़ूंगा। सखी यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, अरे लाला तुम लुगाई बनोगे? श्याम सुंदर बोले, बन जाऊंगा, हानि ही क्या है। अब सखी कुछ नरम पड़ी, कहाँ तो जाने की वह शीघ्रता कर रही थी, कहाँ श्याम सुंदर की सूरत देखकर सब भूल गई। श्याम सुंदर की सलोनी मूरत के सामने सभी सुख साज तुच्छ हैं, सभी काम बेकाम हैं। श्याम सुंदर मिल गए, सब कुछ मिल गया, श्याम को छोड़कर जाना तो चिता में जाना है। पैर चिपक गए,
श्याम सुंदर की सरस बातों में जो रस है, जो अमृत है, वह अन्यत्र कहाँ मिलेगा। श्याम सुंदर साथ रहें तो सुख का सागर साथ है, श्याम सुंदर बिछुड़ जाएं तो दुख का पहाड़ रह जाता है। श्याम सुंदर संग चलने को उत्सुक हैं, सो भी सखी बनकर श्रृंगार करने से स्पर्श सुख मिलेगा। सखी बनाकर उन्हें स्वेच्छा सटाकर साथ चलूंगी, कितना अलभ्य लाभ है, घर बैठे कंगाल को अपार धन मिल गया। सखी बोली, आओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर दूं, किंतु तुम हो चंचल, गड़बड़ सड़बड़ मत कर देना, जिससे मुझे भी लज्जित होना पड़े, तुम्हारी तो बात ही क्या, मुँह फट ठहरे। भोलेपन से श्याम सुंदर बोले, भाभी कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं करूँगा, तू कहेगी वैसा ही करूँगा। सखी बोली, देखो पुरुषों की बोली स्त्रियों से भिन्न होती है, बोलना मत। श्याम सुंदर बोले, नहीं बोलूँगा। सखी ने कहा, देखो पुरुष का शरीर, उसका स्पर्श, उसकी त्वचा स्त्रियों से भिन्न होती है, किसी को छूना मत। श्याम सुंदर बोले, नहीं छूऊंगा। सखी बोली, देखो मुंह किसी को मत दिखाना, उसे घूंघट से सदा ढके रहना, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े रहना। श्याम सुंदर बोले, नहीं दिखाऊंगा। इतनी बात पक्की होने पर सखी श्याम सुंदर को श्रृंगार घर में ले गई, बालों को बीच से काढ़कर मांग निकाली, जूड़ा बांधा, मांग में सिंदूर भरा, खौर लगाया, माथे पर तिलक, बिंदी, मुख में पान, आँखों में सूरमा, हाथों और पैरों में मेहंदी, कड़े छड़े, बाजूबंद, बगली, चूरी, हार, हमेल, कंकण, करधनी धारण करा के लहंगा फरिया, कंचुकी पहनाकर सखी ने दर्पण के आगे श्याम सुंदर को खड़ा कर दिया। श्याम स्वयं भी अपने को न पहचान सके कि मैं लुगाई नहीं हूँ। मोहिनी वेश में मोहन को देखकर सखी के रोम रोम खिल उठे। उसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि स्त्री वेश में श्याम सुंदर इतने सुंदर लगेंगे, इतने सुंदर और मनमोहक लगेंगे। घूंघट मारकर उनसे कहा, तुम्हारा नाम श्यामा सखी है, मेरे पीछे पीछे आओ, गड़बड़ मत करना। एक आज्ञाकारिणी बहू की तरह श्याम सुंदर भाभी के पीछे पीछे चले और नीचे खड़े पर्देदार बहली में भाभी से सटकर बैठ गए। भाभी का हृदय बाँसों से उछल रहा था, उसे ब्रह्म संस्पर्श हो रहा था। नगोड़ा बैल रस्सी हिलाते ही दौड़ने लगे। घंटियों की घनघनाहट और घंटे की भनभनाहट के साथ बहली बढ़ने लगी। कुछ ही काल में वृषभानु जी के महल के द्वार पर पहुंच गई। जनानी सवारी होने से गोपों ने उसे रोका नहीं। भीतर की पौरी पर बहली खड़ी हुई। महल में सभागत महिलाओं की बड़ी भीड़ थी। घंटियों की घनघनाहट और बहेलियों की गड़गड़ाहट सुनकर सब चौंक पड़ी और ओखा मोखा झार झरोखाओं से उचक उचक कर देखने लगी, कौन आ रहा है। तब तक दोनों सखी छम छम करती, इत्र की महक से संपूर्ण वातावरण को सुगंधित करती हुई महल में पहुंच गई। गाना बजाना हो रहा था, इनके आने से बंद हुआ। राधा जी ने स्वयं आगे बढ़कर सखी को आगे लिया और अपने पास बिठाया। बूढ़ियों के पायन लगी, बराबर वालियों ने उन्हें गले से लगाया। कुशल मंगल पूछने के अनंतर लाडली ने पूछा, यह तुम्हारे साथ की बहू कौन है। यह एक ब्राह्मण की बहू है, इसने कहा, मैं भी चलूंगी इसलिए साथ ले आई। सखी ने संक्षिप्त उत्तर में बात टालनी चाही। श्री जी ने कहा, साथ लाई तो अच्छी बात है, किंतु इतना घूंघट क्यों मारे हैं, यहाँ तो किसी भी पुरुष की छाया नहीं, लुगाइयों में भला घूंघट का क्या काम। भाभी ने कहा, नई है ना, लजाती है, कोई बात नहीं, इससे छेड़खानी मत करो, इसे मुंह ढके रहने दो, बहुत अधिक शर्मीली है, आवश्यकता से अधिक लजाती है। श्रीजी ने तो बात मान ली, किंतु रहस्य की बात को जानने के लिए
सबकी उत्सुकता बढ़ने लगती है। अब सबकी सब सखी का मुख देखने को लालायित थी। कोई घूंघट में से झुक झुक कर देखने भी चाहे तो श्याम सखी घूंघट को और भी नीचा कर लेती, उसे दोनों हाथों से कस देती। इससे उत्सुकता की वृद्धि स्वाभाविक थी। कोई तनिक सा मुख देख लेती तभी कहती, बहू तो बड़ी मलूक है, तनिक सांवरे मन है। गाना बजाना चल रहा था, इसी बीच ललिता जी ने पूछा, यह बहू भी गाना तो जानती ही होगी। सहसा भाभी के मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, बड़ा सुंदर गाती है। अब क्या था, सब कहने लगी, हाँ हाँ इसी का हो, इसी का गाना होना चाहिए। श्याम सुंदर बार बार भाभी को नोचते, बार बार मुंड हिलाकर मना करते, किंतु अब लुगाई मानने वाले थोड़े ही थी। इसी बहाने कोई हाथ पकड़ती, कोई कहती, ऐसी भी क्या लाज, बहू गा देना। अब श्याम सुंदर क्या करते, एक ने वीणा लाकर उनकी गोद में रख दी। उन्होंने धीरे धीरे मेहंदी से रचे अपने हाथ बाहर निकाले, खूंटी दबाकर वीणा मिलाई और फिर वीणा की झनकार छेड़ते हुए अत्यंत ही करुण भरे कंठ से ताल स्वर मूर्छना लय आदि के साथ गाना आरंभ किया। गाना क्या था, जादू था। उनकी करुणा भरी वाणी ने वायुमंडल में फैलकर समस्त वातावरण को करुण बना दिया। सखी सब स्तब्ध रह गई। सखी की अत्यंत ही मर्मस्पर्शी वाणी थी, बहुत ही करुणा भरे स्वर में गा रही थी। सखी नंदनंदन कैसे पाऊं, कैसे हिये सटाऊं। सबका हृदय गलकर पिघलकर नेत्रों द्वारा बह रहा था, सबके रोमांच हो रहे थे। वहाँ ऐसी स्तब्धता छाई थी कि सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई दे। वातावरण में वाणी की झनकार और श्यामा सखी की रसीली लचीली करुणा भरी वाणी गूंज रही थी। सहसा एक खटाक के साथ वीणा बंद हुई, सभी विस्मित सी हो गई। कीर्ति कुमारी की दशा दयनीय थी, वे अचेत पड़ी थी। सखियों ने जल छिड़ककर व्यजन ढुलाकर उन्हें स्वस्थ किया। आंसू पोंछती हुई श्रीजी ने कहा, तुम्हारी सखी का गाना क्या था, जादू था। यह मानवी गाना तो है ही नहीं, कहाँ सीखा इन्होंने ऐसा दिव्य संगीत। सखी ने कहा, देवऋषि नारद जी की शिष्या है सिद्ध योगिनी, उसी योगिनी की यह शिष्य है, यह दिव्य लोक के स्वर हैं। धन्य धन्य सखी, तुम सच कहती हो, इस लोक में तो मैंने ऐसा गायन आज तक नहीं सुना। मैं इस सखी को अपने हाथों तीहर पहनाऊंगी, आपकी बड़ी दया, आप पहनाने का कष्ट करें, इसे दे दें, आपका प्रसाद समझकर यह सिर माथे चढ़ा लेगी। भाभी ने बात बनाई, किंतु श्रीजी कब मानने वाली थी, वे अड़ गईं। नहीं, मैं तो इसे अपने हाथों से पहनाऊंगी, सभी सखी एक स्वर से कहने लगी, हाँ विश्वभानु नंदिनी ठीक कहती हैं, हम स्वयं ही इसे पहनावेंगी। इतना कहते कहते कीर्ति कुमारी की आज्ञा के बिना ही प्रतीक्षा किए 10-5 सखियों ने नई बहू को बलपूर्वक उठा लिया। वह बहुत ही विवशता प्रकट करती हुई बलपूर्वक बैठी रहना चाहती थी, किंतु वह अकेली थी, ये 10-20 कैसे जीतती। सखियां बलपूर्वक इसे उठाकर श्री जी के श्रृंगार भवन में ले गईं। ललिता जी ने झट से पल्लू झल्लू की दिव्य ओढ़नी उड़ा दी। एक ने उनको लहंगा का नारा ढीला करके, दूसरा दिव्य रेशमी 10 पाट का घूम घुमारा लहंगा पहना दिया। अब जब एक सखी ने उनकी चोली की गांठ खोलनी चाही तो सखी ने बहुत आनाकानी की, परंतु 2-4 लिपट गईं और चोली ज्यों ही खुली उसमें से कदंब के 2-4 बड़े बड़े फूल निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। छद्म जब तक दबा ढका छिपा रहता है तब तक छद्म कहलाता है, जब वह खुल जाता है तब छद्म न होकर यथार्थ बन जाता है। यह संसार भी छद्म है,
जब तक यह अविदित है तब तक श्याम सुंदर योग माया का पर्दा डालकर घूंघट लगाकर छिपे हैं, तब तक सबके सामने प्रकाशित नहीं होते। सब उन्हें मत्यर धर्मी ही मानते हैं। जहां पर्दा खुल गया वहां प्रकट होते हैं। किसी भाग्यशाली के सन्मुख उनका पर्दा खुलता है, वे तो उनका अज अव्य रूप जान सकते हैं। अतः भगवान ने स्वयं ही गीता जी में अपने श्रीमुख से कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव।